हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन तरफ, किस संस्था ने वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर होगा UNWTO। नेक्स्ट, किस संस्था ने राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र यानी नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की है? REMC लिमिटेड। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद। नेक्स्ट, हाल ही में मॉर्गन स्टेशनली ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर होगा 6.2%। नेक्स्ट, हाल ही में KB विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? सही आंसर होगा प्रशांत मिश्रा। नेक्स्ट, किस देश में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI की पुष्टि हुई है? ब्राज़ील। नेक्स्ट, किस केंद्र ये मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरी स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिदेशक MEPOP किस देश से है? अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? 34। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।